हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सूट के स्लीव्स कैसे बनाएं। तो उससे पहले गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा गाइस, जिससे आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप देख रहे होंगे, मेरे पास एक एक सूट रखा हुआ है। ये सूट मेरा रेडी हो चुका है, जैसे कि आप देख रहे होंगे इसका ये नेक डिज़ाइन। ये नेक डिज़ाइन की वीडियो भी मैंने चैनल पे डाली हुई है, अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और ये भी काफ़ी अमेजिंग सा नेक डिज़ाइन था जो कि मैंने बनाया है। तो आज इसी सूट का मैं इसमें स्लीव अटैच करने वाली हूँ। तो देख सकते हैं गाइस, इस सूट की स्लीव की कटिंग मैंने ऑलरेडी करके रखी हुई है। और ये सूट की कटिंग और मेज़रमेंट और स्लीव की कटिंग मेज़रमेंट भी मैंने चैनल पर डाली हुई है वीडियो, आप अगर उसे भी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। तो सबसे पहले गाइस, देखिए जो मेरा मोरी वाला पोर्शन है, इसमें मैं थोड़ा बहुत इसमें डिज़ाइन बना के इसको मॉडिफाई करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं इसी का मेज़रमेंट लूँगी, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट अटैच कर लेते हैं स्लीव्स को तो फिर हम कोई इसमें डिज़ाइन नहीं बना सकते हैं, प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए सबसे पहले हम मोरी से ही स्टार्ट करते हैं। अगर हमें कुछ डिज़ाइन वगैरह बनाना होता है तो हम पहले मोरी में ही बनाते हैं। तो देख सकते हैं गाइस, मैं जो भी डिज़ाइन बनाने वाली हूँ उसके लिए मैं इतना पोर्शन अपनी सलवार से बचे हुए कपड़े का कट कर रही हूँ, देख सकते हैं आप। और गाइस, जो इस कपड़े की मैं कटिंग कर रही हूँ, ये मैंने अपनी दोनों जो स्लीव्स हैं उनकी मोरी का नाप उसका टोटल करने के बाद, मतलब ये मैंने कट करा है, मतलब जो भी मैंने कपड़ा कट करा है आप कह सकते हैं दोनों मेरी मोरियों के लिए हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग मैंने इसे कट करा है। तो चलिए गाइस, इस तरीके से मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ आगे कि क्या करना है। और एक और चीज़ गाइस, देखिए इस पट्टी की जो लेंथ है वो तो मैंने अपनी मोरी के लेंथ के अकॉर्डिंग रखी है, बट जो उसकी ब्रेथ है रखी है मैंने, ये ब्रेथ मैंने अपने अकॉर्डिंग रखी है। आप चाहें तो कम ज़्यादा इसको अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, किसी को चौड़ी पट्टी पसंद आती है, किसी को पतली पट्टी। तो बट मैंने जो लिया है ये मीडियम बनी, क्योंकि अभी आधा कपड़ा हमारे फोल्ड वगैरह करने में भी जाता है। तो आप अभी देखेंगे ये कितना बन रहा है। तो देखिए, इस तरीके से मैंने अपने स्लीव्स ले लिए हैं। अब इसमें मैं इस पट्टी को अटैच करने वाली हूँ। तो देखिए, इस तरीके से मैं इसको उल्टे पोर्शन में इस पट्टी को रख दूँगी, देख सकते हैं आप किस तरीके से मैंने इसे रखा है। और इस तरीके से रखने के बाद मैं अब इसमें स्टिचिंग करूँगी। गाइस, आपको स्टिचिंग करते हैं ध्यान देना है कि आपको ज़्यादा कपड़े में स्टिचिंग नहीं करनी है, बस आधा इंच से भी कम कपड़ा आप कह सकते हैं उतने पोर्शन में आपको स्टिचिंग करनी है, क्योंकि अभी इसे हमें ऊपर साइड को ही फोल्ड करना पड़ता है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो देख सकते हैं गाइस, इस तरीके से स्टिचिंग कर ली है मैंने, और देखिए कितना कितना पोर्शन मैंने स्टिच किया है। तो पहले हम ये एक्स्ट्रा धागा कट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं गाइस, कुछ इस तरीके से मेरे इसमें स्टिचिंग हुई है। तो चलिए गाइस, अब इसके ऊपर मैं एक और सिलाई कर रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि उसको हम जब सिलाई करेंगे तो उससे काफ़ी सफाई आ जाती है इसमें। तो चलिए, पहले मैं इसमें स्टिचिंग कराती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए गाइस, स्टिचिंग कर ली है मैंने, और देखिए खुद ही देखिए आप कितने अच्छे से कपड़ा बैठ गया है। तो चलिए गाइस, इसके बाद हम इसको इस तरीके से इसमें इसी के ऊपर को फोल्ड करेंगे, और मैं इसको पूरा ऊपर से फोल्ड नहीं कर रही हूँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा नीचे को इसको ड्रैग कर रही हूँ कपड़े को, वो इसलिए क्योंकि मुझे थोड़ा सा लेंथ भी अपनी बढ़ानी है। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी इसको उल्टा करके कि कितना पोर्शन मैंने एक्स्ट्रा करा है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैं इसे फोल्ड कर रही हूँ, देखिए। और इसके बाद इसी पोर्शन में मैं ऊपर से इसकी स्टिचिंग करूँगी। तो गाइस, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैंने स्टिचिंग कर ली है। और ये देखिए, ये पोर्शन मेरा जो एक्स्ट्रा वाला है, मैं आपको बता रही थी मैंने थोड़ा सा ड्रैग किया हुआ है कपड़े को, तो वो मैंने इसीलिए किया था ताकि मेरी स्लीव की थोड़ी सी लेंथ ज़्यादा हो जाए। तो चलिए गाइस, इस तरीके से स्टिचिंग करने के बाद ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसमें भी हम स्टिचिंग कर लेंगे, ताकि जो हमने अभी इसमें जो अटैच किया हुआ है ये कपड़ा, ये अच्छे से सेट हो जाए। तो गाइस, आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने स्टिचिंग कर ली है दोनों साइड से, और देख सकते हैं आप कितना इजी और कितना सिंपल तरीका है। और ये देखिए, थोड़ा सा मैंने इसको उसकी लेंथ भी बढ़ा ली है इसी कपड़े से, और बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक तो पता नहीं चल रहा है, लेंथ भी बढ़ रही है और डिज़ाइन भी बन चुका है। तो देख सकते हैं गाइस, इस तरीके से स्लीव डिज़ाइन
बनाने के बाद अब जो हमारा काम होता है इस तरीके से हम साइड वाले पोर्शन में मेजरमेंट करके उसमें हम स्टिचिंग करते हैं। तो पहले उससे गाइस मेरा जो दूसरा वाला पोर्शन है उसको मैं रेडी कर लेती हूँ, अपना दिखा देती हूँ, मैं आपको देखिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सेम उसी प्रोसेस में हम इसको भी बनाएंगे इस तरीके से, इसमें कपड़ा रख कर अपना स्लिप का बाजू रख कर इस तरीके से इसमें स्टिचिंग करके इसको भी सेम प्रोसेस में रेडी कर लेंगे। तो चलिए गाइस इसमें मैं स्टिचिंग करके इसको रेडी कर देती हूँ पहले, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से हम आगे का प्रोसेस करते हैं। तो गाइस मैंने स्टिचिंग कर ली है, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैंने दोनों अपने स्लीव्स के मोरी रेडी कर लिए हैं, और देखिए आप कितना सिंपल कितना प्यारा ये लग रहा है। तो चलिए गाइस अब हम अपने ये सूट लेते हैं और इसका मेजरमेंट करते हैं। आप इसके आरमोल का मेजरमेंट करेंगे और इसी के अकॉर्डिंग हम अपने स्लीव का आरमोल रखेंगे। तो देख सकते हैं गाइस इस तरीके से कुछ हम अपने सूट के आरमोल का नाप ले रहे हैं, और ये देखिए 9 के समथिंग के आ रहे हैं, एग्जैक्टली ये 9 ही आ रहे हैं। तो सेम हम इसी तरीके से 9 अपने जो अपना स्लीव है उसमें भी रखेंगे, और सेम इसी तरीके से हम दूसरे वाले आरमोल का नाप भी ले लेते हैं, और फिर इसी का अकॉर्डिंग हम अपने स्लीव का आरमोल का नाप भी रखते हैं। तो देख सकते हैं ये भी 9 ही आ रहे हैं, सेम ही आ रहे हैं। वैसे कभी कभी ऐसा भी होता है कि कम ज़्यादा आ जाता है, दोनों सेम नहीं आते हैं, बट ठीक है अभी सेम ही है। तो देख सकते हैं गाइस इस तरीके से हम अपने स्लीव को भी 2 फोल्ड में रख लेंगे, और फिर हम इसका जो हमने अभी सूट से मेजरमेंट लिया उसके आर्मोल का वही सेम हम इसमें रखेंगे। तो देखिए गाइस कुछ इस तरीके से हम अपने सूट से आर्मोल का नाप लेकर इसमें अपने स्लीव में इस तरीके से नाप लगाते हैं। तो देखिए गाइस ये 9 आ चुका है मेरा, और हमारे सूट में भी आर्मोल का नाप 9 ही आया था। तो चलिए इस तरीके से हम इसमें निशान लगा लेते हैं, और इसके जो मैंने आपको आरमोल में नाप लगाने का तरीका बताया आपका भी सेम तरीका होना चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ा भी एक्स्ट्रा कपड़ा बच जाता है तो उससे हमारे सूट में सीधे सीधे इफेक्ट दिखने लग जाता है, सिलवटे टाइप की आ जाती हैं। तो देखिए इस तरीके से हमारे आरमोल का जो सॉरी मोरी का जो नाप है वो 5 मैंने रखा है। तो चलिए इसको हम अब इस तरीके से मिला लेते हैं पहले। तो देखिए गाइस कुछ इस तरीके से चौक से मिला लेने के बाद अब हम इसमें स्टिचिंग कर लेंगे। गाइज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा बिना स्किप किए, क्योंकि कितने बार ऐसा होता है हम स्किप करते हुए चलते हैं और हमारी काफ़ी चीज़ें मिसिंग हो जाती हैं, और फिर काफ़ी चीज़ें होती हैं जो गलत भी हो सकती हैं। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा, और एंड में जैसे कि मैं आपको हर एक वीडियो में देखा होगा आपने वेयर करके दिखाती हूँ, या फिर मैं इसका एक फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ फिनिशिंग के साथ कि कुछ इस तरीके से मैंने बताया। तो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा गाइज़। तो देखिए गाइस स्टिचिंग भी हो चुकी है मेरी, और आप देखिए कितना प्यारा ये लग रहा है। तो चलिए गाइस मैं आपको उसको सुलटा करके इसका दिखाती हूँ लुक, कि कितना प्यारा ये लग रहा है। देखिए सुलटा कर दिया है मैंने, और कुछ इस तरीके से मेरा स्लीव बन के आया है, और आप देखिए ये डिज़ाइन कितना सिंपल है और कितना प्यारा ये लग रहा है। और जो ये डिज़ाइन ये एवर ट्रेंडिंग है, मतलब हर कोई चाहता है कि अगर कोई और डिज़ाइन ना भी बनाए तो एटलीस्ट ये डिज़ाइन हम डेली से वो जो वियरिंग सूट होते हैं उसमें भी हम इसको बना सकते हैं। तो चले गए इस तरीके से हम सेम प्रोसेस अपने दूसरे वाले स्लीव में भी कर देंगे, और दूसरे वाले स्लीव को भी हम रेडी कर लेते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने अपने दोनों स्लीव के मोरी वाला पोर्शन जो है एग्जैक्टली मोरी वाला साथ ही साथ जो इसमें स्टिचिंग थी रेडी कर लिए हैं, और आप देखिए दोनों कितने फिनिशिंग के साथ रेडी हुए हैं। इक्वली इनका मोरी का जो मैंने सलवार से कटिंग करके डिज़ाइन बनाया वो भी बना हुआ है। तो काफ़ी सिंपल है गाइस, अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और तो चलिए गाइस इतने तक का काम हो चुका है मेरा, अब हम अपने सूट में अपने स्लीव को अटैच करते हैं। तो आज मैं आपको सूट में स्लीव कैसे अटैच करते हैं उसका भी एक नॉर्मल सा मतलब बेसिक तरीका बताऊंगी, काफ़ी डीपली बताऊंगी, क्योंकि कितने लोग होते हैं उनको स्लीव भी अटैच करनी नहीं आती है और काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो देखिए गाइस सबसे पहले आप ये देखिए गहरे को गहरे पार्ट के साथ रखना है, और ये जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ इसको आप ध्यान में रख के अगर बनाएंगे तो आपको कभी भी स्लिप अटैच करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए इस तरीके से आप सूट को रख लीजिए, उसके बाद आपको क्या करना है इस तरीके से अंदर से हाथ इसमें स्लिप में करके सूट में डाल के अपने सूट का ये वाला पोर्शन देख सकते हैं आप, इसमें दोनों पोर्शन सेम ही होंगे आपके, इस तरीके से इसको अटैच करना है इसके साथ, और इस तरीके से फिर उल्टा करके इसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं इसको कर रही हूँ। आप देखिए सेम इस तरीके से करेंगे आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है गाइस। और देखिए उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से जो सूट में एक्स्ट्रा पोर्शन बचा हुआ होता है हम लोग जो साइड से फोल्ड करते हैं वो, और जो स्लीव में जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ होता है उसको भी इसी तरीके से दोनों को हम फोल्ड कर देते हैं,
और फोल्ड करने के बाद हम यहीं से इसी वाले पोर्शन से अपनी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं और यहीं पर आके हम एंड करते हैं। उससे क्या होता है गाइस, हमारा कपड़ा एकदम एक्जैक्टली उसमें स्टिचिंग होती है और कहीं पे एक्स्ट्रा वगैरह कुछ भी होता है तो वो नीचे वाले पोर्शन में चले जाते हैं, तो ज़्यादा पता भी नहीं चलता है। तो आपको इसी पोर्शन से लेकर इसी पोर्शन में आके एंड करना है अपनी स्टिचिंग का। तो बस गाइस और कुछ नहीं करना है, इस तरीके से हमें अपना दोनों सूट की जो स्लीव्स हैं उनको अच्छे से स्ट्रेच कर लेना है। और स्टिचिंग करते हम ध्यान यही देना है गाइस कि आपको दोनों कपड़े साथ में लेते हुए चलना है और दोनों को साथ में ही स्टिचिंग करना है। तो गाइस वीडियो को एंड तक बने रहिए, मैं आपको उसका फाइनल लुक दिखाने वाली हूँ। देखिए कुछ इस तरीके से मेरे सूट में स्लीव अटैच करके दिख रहे हैं आप। देखिए कितने अच्छे से, कितने सफाई से बन के आए हुए हैं। मैं आपको उसका बैक वाला पोर्शन भी दिखा रही हूँ। देखिए दोनों सूट के स्लीव्स अटैच कर लिए मैंने और कितने फिनिशिंग के साथ ये रेडी हुए हैं, आप खुद देख सकते हैं। इसमें कोई गूंज नहीं आ रही है, बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे सफाई से बनने चाहिए वैसे बन के आए हुए हैं। देखिए गहरे को गहरे पार्ट के साथ अटैच करा है, तो देखिए ये वाला पोर्शन अलग से ही दिखता है। तो गाइज़ आप देख सकते हैं कितना इजी है ये इस तरीके का डिज़ाइन बनाना और इसको सूट को स्लीव से अटैच करना। तो देख सकते हैं गाइज़, मैं आपको इसको पूरा स्टार्टिंग से लेके दिखा रही हूँ। तो देखिए गाइज़ आज की वीडियो में बस इतना ही था। आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगती है गाइज़ तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा और बताइएगा कि आगे आप किस तरीके की और वीडियो चाहते हैं। वैसे तो मेरी मोस्टली वीडियो बेसिक की ही होती हैं, तो फिर भी अगर आपकी कोई ऐसी डिमांड हो तो मुझे बता सकते हैं, मैं आपके लिए उसी बेस पे वीडियो लेकर आऊँगी। तो बाकी अगर आप और वीडियोस भी ऐसे मेरी बेसिक की देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर विज़िट कीजिएगा, मैंने काफ़ी वीडियो अपलोड की हुई है। आप लोग के लिए मैंने स्पेशली एक प्लेलिस्ट बना के तैयार रखी हुई है, जो बेसिक वीडियोस हैं वो मैंने प्लेलिस्ट में डाली हुई हैं। बाकी अदर वीडियोस भी हैं जिनका मैंने अलग अलग फोल्डर बनाया हुआ है, आप चाहें तो उनको मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं सबको, और वो सारी वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो गाइस आप विज़िट कीजिएगा। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग।